ग्लोबल समिट में जितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है ये सारा पैसा जनता से ही लिया जाएगा, चाहे घुमा के, चाहे गैस सिलेंडर के द्वारा आए, चाहे पेट्रोल के द्वारा आए, चाहे बिजली का बिल बढ़ा के आए, चाहे रोडवेज का किराया बढ़ा के आए। जो इसमें जैसा हालत चल रहे हैं उसके रोजगार की कमी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो अगर सरकार अपने जुबान पे कायम रहे तब उससे आगे बात हो। कई सारी जगह देखा गया है कि हाँ बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे रोजगार की कमी बहुत ज़्यादा है। 2023 में लखनऊ को दो मेज़बानियां करने का मौका मिल रहा है, इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट और G20 दोनों ही ये बड़ी जिम्मेदारियां लखनऊ शहर को मिली हैं और इसी सिलसिले में पूरे लखनऊ को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और आज हम यहां मौजूद हैं और कुछ युवा हमारे साथ हैं जिनसे हम जानेंगे कि इस दोनों मेज़बानियों का उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है और क्या कुछ उनका सोचना है इसको लेकर। क्या नाम है आपका? समृद्धि द्विवेदी। समृद्धि द्विवेदी, ये बताइए जो ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट चल रहा है और G20, इससे आप क्या समझते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? जैसे बदलाव तो हो रहा है लेकिन जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, रोजगार तो कमी होती जा रही है, जिसके लोग बोल रहे रोजगार के लिए आएगा, रोजगार के लिए, रोजगार हमको नहीं लग रहा है उससे ज़्यादा बढ़ेगा। और जहाँ तक बात है कि लखनऊ में रोजगार की कमी बहुत ज़्यादा है, तो सरकार को ये ग्लोबल इन्वेस्टर तो शुरू तो किए हैं लेकिन ये आगे चल के ये कार्यक्रम आगे चले तो उसके लिए बढ़िया है, वरना कहीं एक दो महीने चल के फिर बंद हो जाए। जैसे कि अभी एक और लोग चलाए हुए थे कोई सभा, जिसकी वजह से आगे चला दो तीन महीने, उसके बाद आप बंद हो गया, तो इसे लगातार कार्य हो तो इस पे कह रहे हैं कि ये युवाओं को बहुत भारी मात्रा में रोजगार देंगे, इस पे कितनी हकीकत है क्योंकि इससे पहले भी दो बार हो चुका है ये सब। जैसे कई बार उन्होंने वादा करके फिर मुकर जाना, इन लोग की पुरानी आदत है, तो जिसके चलते हुए हम सरकार की, जो इस समय सरकार चल रही है मोदी जी की मैं इज्जत करता हूँ, योगी जी की इज्जत करता हूँ, लेकिन उनकी बातों पर अगर अटल रहे तो कोई बात रहे, क्योंकि जो इसमें जैसा हालत चल रहे हैं उसके रोजगार की कमी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो अगर सरकार अपने जुबान पे कायम रहे तब उससे आगे बात हो। कई सारी जगह देखा गया है कि हाँ बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे रोजगार की कमी बहुत ज़्यादा है। क्या नाम है? हर्षित नाम है। हर्षित, ये बताइए जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है इससे आप क्या समझते हो, इससे युवाओं को क्या कुछ फायदा? ये देश विदेश हर जगह के लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस बार, ठीक है, इससे प्रदेश की जनता को क्या फायदा? जनता को जब कुछ फ़ायदा मिल जाए तब तो समझ में आए, अभी तो इन्वेस्ट समिट का क्या ही फायदा बताया, हमको तो नहीं लग रहा है कि हम लोगों को कुछ फायदा मिल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा प्रवीण कुमार राय नाम है। अच्छा प्रवीण जी, ये बताइए जो ग्लोबल सबमिट चल रहा है इन्वेस्टर, तो इससे आम जनता को क्या फायदा और इससे आप लोगों को क्या लाभ मिलेगा? आम जनता के पॉकेट पर बोझ बढ़ने वाला है इस ग्लोबल समिट में, जितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है ये सारा पैसा जनता से ही लिया जाएगा, चाहे घुमा के, चाहे गैस सिलेंडर के द्वारा आए, चाहे पेट्रोल के द्वारा आए, चाहे बिजली का बिल बढ़ा के आए, चाहे रोडवेज का किराया बढ़ा के आए, इसका अगर थोड़ा भी अगर 50% अगर पैसा कि तो संविदा का। अच्छा ये तो कह रहे हैं कि हम जनता को इससे बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। पिछली बार भी इन्वेस्टर समिति हुई थी, कितनी कंपनियां आई हैं, क्या कितने को रोजगार मिला, हम लोग तो कोरोना काल से मतलब कुछ कोई रोजगार नहीं मिला, कोई रोजगार नहीं मिला कोरोना काल से, हम लोग की जब जॉब छूट गई तब से आज तक रोजगार के लिए ढूंढते रहते। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। गोपाल सिंह, ये बताइए ये जो ग्लोबल समिट चल रहा है इन्वेस्टर, तो इससे जनता को क्या फ़ायदा और आप लोगों को क्या क्या उम्मीद है इससे? इससे जनता को ये फ़ायदा, जो बिजनेसमैन है वो जो है अपने वहाँ पर अपना जो रखेंगे अपना बिजनेस को, अगर बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं और उनको अच्छा लगेगा बिजनेस तो उसको डेवलप करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। क्या नाम है? विराट पांडे नाम है। विराट पांडे, ये बताइए आप ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को किस तरह से देखते हैं, क्या इससे सच में प्रदेश के युवाओं को कोई रोजगार मिलेगा या कोई उम्मीद जगी है? उम्मीद तो यही है कि प्रदेश के युवाओं को नई किरण मिली है और नई ऊर्जा मिली है कि इस हमारे प्रदेश में ऐसी चीज़ें हो रही है और बिल्कुल ही कुछ ना कुछ तो हमारे प्रदेश के युवाओं को इससे अच्छा ही मिलेगा। क्या मिली हैं इन्वेस्टर सबमिट और ये G20, तो इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए इन्वेस्टर समिट है, ये तो सराहनीय कार्य है सरकार के द्वारा कि सरकार प्रयास कर रही है कि हमारे राज्य में कैसे उद्योग स्थापित हों, और जब स्वाभाविक बात है कंपनियां आएंगी, उद्योग स्थापित होंगे तो निश्चित ही जो बेरोजगारी की समस्या है इनसे छुटकारा भी मिलेगा, और हमारे जो यहां प्रतिभावान युवा हैं उत्तर प्रदेश को, इनको अपने ही घर के आसपास कहीं ना कहीं इनको काम मिलेगा। क्या नाम है भैया आपका? अनंग।
अच्छा ये बताइए अनंग कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट चल रहा है इससे प्रदेश की जनता को क्या लाभ मिलने वाला है, इसको आप कैसे देखिए? हमारा ये मानना है कि एक तो आप रोजगार आ रहा है, क्योंकि हर एक बात हर बार जब चुनाव होते हैं हर बार हम लोग कहते हैं, जनता खुद कहती है, हम लोग खड़े होकर, हम युवा हैं, हम कहते हैं ये उम्मीद है कि इसके बाद हमारे लिए हाँ कुछ भी आए ना आए ये तो भविष्य के गर्भ में है कि आएगा और हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन एक उम्मीद तो आई है जिससे सब खुश हैं कि हाँ ये हो रहा है, प्रयास हो रहे हैं। तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे कि सरकार की जो पहले भी इससे कर चुके हैं तो कितना फर्क देखने को मिला और अब कितना असर देखने को मिलेगा? फर्क कुछ नहीं मिला, हाँ खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात है, यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया। अच्छा क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इत्माद अहमद है। हाँ तो आप ये इसको कैसे देखते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट आया है तो कह रहे हैं प्रदेश भर में विकास की बात कही जा रही है, रोजगार देने की बात कही जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये इन्वेस्टर सबमिट एक पहल तो बहुत अच्छी है, ये पहल तो बहुत अच्छी है, ये लास्ट ईयर भी हुआ था। इसमें जो है रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने, जो अंबानी साहब फिर आए हुए हैं आज सुबह, सबसे पहले उन्हीं की स्पीच हुई है, हमारे प्रधानमंत्री से पहले उनकी स्पीच हुई है, शायद आपने देखा होगा और हमने देखा है पूरा सुना भी है। पिछली बार उन्होंने 75,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट का वादा करके यहाँ पर एक MOU भी साइन हुआ था पिछले समिट में, आप इसके डेटा को निकालना चाहें निकाल लीजिएगा। 75,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट का एक MOU साइन हुआ था, पर वो धरातल पर नहीं उतरा, वो एज इट इज़ वैसे के वैसे ही वो 75,000 करोड़ का एक पावर प्रोजेक्ट लगना था नोएडा में, वो नहीं लगा। इस बार इस सबमिट से क्या आप लोगों को? इस सबमिट से तो हम ढेर सारी शुभकामनाएं इस सरकार को देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो पिछली बार हुआ है वो ना हो और चीज़ों को धरातल पे उतारी जाए और युवाओं को नौकरी मिले। और अच्छा, कुछ लोग और हैं, क्या नाम है आपका? रंजीत यादव। ये ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट की बात सरकार कर रही है, प्रदेश भर में लाएंगे इसे विकास और जिस तरह से ये सब सजाया गया, इसको कैसे देखते हैं आप? सजावट तो बहुत अच्छी हुई है, इस सजावट को हम कितने दिनों तक बचा के रखते हैं ये डिपेंड करता है यहाँ के लोगों के ऊपर, और बट इस सजावट से बेहतर है कि आप कहीं ना कहीं स्किल और रोज़गार की बात करते हैं, उस रोज़गार को मुहैया कराइए, ज़मीनी स्तर तक पहुँचाइए उस पर्टिकुलर ज़रूरतमंद इंसान तक, ज़रूरतमंद लोगों तक। हाँ, पूरा दुल्हन की तरह लखनऊ को सजा दिया गया है, तो इसको कैसे देखते हैं? जहाँ तक इन्वेस्टर की बात है, पहले भी मैंने कहा प्राइवेट सेक्टर में अच्छा है, ठीक है, उसी के साथ साथ जैसे आप देखते हैं कि आजकल शारीरिक और मानसिक संतुलन लोग बैक हो रहे हैं हर जगह ना, इवन आप सिविल सर्विस में देखिए या कहीं भी देखिए, जैसे कि मोदी जी ने पहले भी कमिट किया था कि हम योग के ऊपर कुछ करेंगे, कहा था हर प्राइमरी स्कूल जूनियर में, मतलब मैं इससे थोड़ा सा हटके बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये ज़रूरी है। जैसे कि फिजिकल सेक्टर में बहुत कम काम हुआ है, क्योंकि हम फिजिकल वाले हैं तो इसके बारे में ज़रूर बोलेंगे, तो उसके साथ साथ हर कंपनी में, जैसे इन्वेस्टर्स की बात करें, कंपनी आ रही हैं, हाँ MNCs आ रही हैं, तो उसमें भी एक इस बार G20 से क्या उम्मीद है? योगा का भी कुछ होना चाहिए ना उसमें कंट्रीब्यूशन, उसमें योगा से लिए जाने चाहिए जिससे मानसिक संतुलन सबका बना रहे। आप कह रहे हैं मानसिक संतुलन बिगड़ गया सर? या ऑफकोर्स बिगड़ रहा है, क्यों नहीं बिगड़ रहा है? जैसे क्यों बिगड़ रहा है? देखिए मानसिक संतुलन तभी आपका सही रहता है जब हमारे परिवार की मूलभूत तीन चीज़ें जो है हमें मिलती रहती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पहली चीज़ है कि शिक्षा मिले हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को। दूसरी चीज़ हो गई कि हमें भोजन मिले। तीसरी चीज़ हो गई हमें रोज़गार मिले। और एक और चीज़ उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, स्वास्थ्य मिले। तो स्वास्थ्य तो खैर आदमी नहीं भी मिलता है, तो आजकल बहुत ही चीज़ों से काम चला ले रहा है क्योंकि मजबूरी है, चलाना है। तो ये तीन चार चीज़ें जो मूलभूत तरीके से जब नहीं मिलेगा तो मानसिकता तो खराब होगी, मानसिकता खराब होगी, दिमाग खराब होगा, क्योंकि आप उसी चीज़ों में परेशान होंगे बार बार कि हम खाना नहीं दे पा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे कपड़े नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज़ को नहीं दे पा रहे हैं। इस बार उनका टारगेट है 25 लाख करोड़ का टारगेट है ना मैडम G20 समिट में, कि 25 लाख करोड़ का टारगेट है। अब आप इस बात को, मैं दोबारा जब आपसे मिलूंगा तो ज़रूर पूछूंगा कि कितनी चीज़ों को जो है धरातल पे उतारा गया है 25 लाख करोड़ में और कितनी चीज़ें उतरी है। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि 1 लाख करोड़ भी अगर उतर जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की शक्ल और सूरत दोनों बदल जाएगी। तो हमने बहुत से लोगों को बात करी लखनऊ के ग्लोबल सबमिट को लेकर, तो लोगों का यही कहना है कि धरातल पे जब सरकार काम करेगी तभी इस सबमिट का कोई फ़ायदा है, वरना ये सारे वादे धरे के धरे रह जाते हैं और हर साल इसी तरह से वादे तो किए जाते हैं लेकिन धरातल पर उसकी हकीकत कुछ और ही होती है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, वो PM News Network।